नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर 54 सालों के बाद कोसी में सबसे ज्यादा पानी छोड़ा गया और इसकी वजह से बिहार के 12 जिले हैं जहां पर बाढ़ का बड़ा खतरा जो है वो दिख रहा है और कई इलाके हैं जो कि डूब चुके हैं और नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। ऐसे ही हालात गंडक नदी में भी है, वहां पर भी 21 साल के बाद इतना पानी छोड़ा गया और इसकी वजह से कई जिले जो हैं वो लगातार बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। बिहार में लाखों की आबादी जो है प्रभावित हो रही है और उत्तर बिहार का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। इन तमाम खबरों के बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार के सुपौल से, जहां पे बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उन्होंने ट्रेन को ही रोक दिया है और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। दरअसल इनका आरोप है कि इस पूरे इलाके में बाढ़ राहत के नाम पर अभी कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अचानक से नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से गंडक और कोसी बराज से 6.5 लाख करीब क्यूसेक पानी जो है वो 24 घंटे के अंदर जो है बिहार की तरफ छोड़ा गया। इसकी वजह से बिहार के कई जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा भयावह स्थिति सुपौल, दरभंगा जैसे जिलों की है। इन जिलों में बाढ़ की तबाही के बाद जो है स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है। लगातार सरकार दावा कर रही है कि तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, NDRF SDRF की टीमें तैनात की गई हैं और लोगों तक सूखा राशन या फिर जो ज़रूरी फौरी मदद है वो भी पहुंचाई जा रही है। लोग अपना घर बार छोड़ करके सड़क या फिर ऊंचे स्थानों पर डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनको अभी तक कोई मदद नहीं मिली और इसी की वजह से ये तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोसी बराज से 1969 के बाद पहली बार बीते रविवार को 6.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी जो है छोड़ा गया। वहीं कोसी बराज के साथ बागमती भी उफान पर है और गंडक से भी करीब 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में इन दोनों नदियों और बाकी महानंदा और बागमती से नदियों की वजह से बिहार में एक दर्जन से ज़्यादा ज़िले जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं और उसकी आधी आबादी इसके असर में है। बिहार सरकार की ओर से बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और प्रशासन की ओर से राहत बचाव के काम भी तेजी से शुरू किए गए हैं, लेकिन कई जगहों पर बाढ़ पीड़ित प्रशासन के काम से संतुष्ट नहीं है और सरकार पर का विरोध कर रहे हैं। कई जिलों से बाढ़ पीड़ितों के उग्र होने की भी खबर सामने आ रही है। ऐसा ही मामला सुपौल से सामने आया है जहां पर बाढ़ पीड़ितों ने ट्रेन को रोक दिया है। बताया जा रहा है कि बाढ़ पीड़ित रेलवे लाइन पर उतरकर ट्रेनों का परिचालन उन्होंने बाधित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सहरसा लहरिया सराय रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन करीब 1.5 घंटे से बाधित है। बताया जा रहा है कि बाढ़ पीड़ितों ने सहरसा से फारबिसगंज जा रही डेमू ट्रेन 05516 को रोक दिया है, जिससे ट्रेन का परिचालन बाधित हो गया है। बाढ़ पीड़ितों ने सुपौल जिले के थरबिटिया सरायगढ़ के बीच ट्रेन रोक दी है। वहीं बाढ़ पीड़ितों के प्रदर्शन के कारण लहरिया सराय से सहरसा आ रही डेमू ट्रेन को भी झंझारपुर की ओर से रोक दिया गया है। वहीं इसी जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंच करके प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझा करके ट्रैक पर से हटाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि पिछले काफ़ी वक्त से जो है इन रेलवे ट्रैक्स पर जो है ट्रेनों की आवाजाही को जो है वो बंद है। बड़ी बात यह है कि बिहार में एक दर्जन से ज़्यादा ज़िले हैं जहाँ पर बाढ़ की भयानक तबाही दिख रही है। कई सालों के बाद इस तरह की बाढ़ बिहार देख रहा है। नेपाल में हुई अत्यधिक बारिश की वजह से ऐसे हालात अचानक से बने हैं कि बिहार के कई ज़िले फ्लैश फ्लड के शिकार हो गए हैं। कोसी में 68 के बाद, जबकि 21 साल के बाद गंडक नदी में इतना पानी जो है एक साथ रिलीज किया गया है। इसका असर बिहार के उत्तर बिहार के आधे से ज़्यादा ज़िलों पर दिख रहा है और बड़ी संख्या में जो वहाँ रहने वाली जो आबादी है इसकी चपेट में। ऐसे में सरकार के खिलाफ गुस्सा भी लगातार फूट रहा है और लोग सरकार पर सही से फ्लड मैनेजमेंट नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।